जायदाद का असली हकदार आ रहा है। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। आयमा, फजूल बातें बंद करो। तुम मेरे भाई की बेवा हो। आफान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शहरयार के साथ मैंने मजबूरी में रिश्ता जोड़ा था, वरना बचपन से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती थी। क्या करूं, मुझे बात करनी चाहिए या नहीं? कर लेती हूं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। है नहीं, बोलो, कुछ काम था? क्या कर रहे थे? हाँ, एक मीटिंग है, बस उसी की तैयारी कर रहा था। फिर तो तुम घर नहीं आ सकते अभी। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं नहीं, काम तो नहीं है, बस यूं ही। नहीं नहीं, अगर तुमने कहीं जाना है तो मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। क्या तुम्हें खुद में और ड्राइवर में कोई फर्क नहीं नजर आता? क्या हो गया नी, इतने गुस्से में क्यों? बोर हो रही थी मैं। हाँ तो मेरे आने से क्या होगा, एक काम करो, अपने स्टूडियो जाओ। स्टूडियो में जाके जब पेंटिंग करोगी तो तुम्हारा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। वैसे भी बहुत सारी अधूरी पेंटिंग्स रखी है तुम्हारी। कर लूंगी, और मैंने मशवरे के लिए कॉल नहीं किए तुम्हें। अच्छा यानी मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बाद में बात करता हूँ। अफान, हेलो। सॉरी एनी, तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए सताना पड़ रहा है। जबरदस्ती है, नहीं भी करा तब भी पेंटिंग बनानी पड़ेगी। से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, दिल और दिमाग इतने उलझे हुए हैं। पता नहीं क्यों मुझे इरफान की बेइत्मीनानी कितनी महसूस हो रही है, और जब मैं खुद उन्हें और उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज करती रहती थी तब भी तो वो कितना बर्दाश्त करता था, और अब मुझे नहीं सोचना चाहिए। नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। ज़हे नसीब, आज कैसे याद कर लिया आपने बिछड़े हुओं को? वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुम कब बिछड़ी हो मुझसे? जब से कॉलेज छूटा है तब से बिछड़ी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बस जिंदगी के झंझटों में फंसी हुई हूँ। हाँ, तो अफान भाई को झंझट कह रही हो? और क्या कहूँ, क्योंकि टाइम तो है नहीं आपके अफान भाई के पास, वो भी मेरे लिए। वाह भाई, ये तो काया ही पलट गया। कभी उनको ये शिकायत हुआ करती थी आपसे? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन वो शुरू शुरू के दावे थे बस। ये तुम्हें कब पता चला कि वो सब दावे थे? अब मैं रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और इस रिश्ते को बचाना चाह रही हूँ, मजबूत करना चाह रही हूँ पहले से कहीं ज्यादा, तो अब वो जनाब इग्नोर कर रहे हैं। तो हाथ पकड़ के मना लो उन्हें, हो सकता है वो यही चाहते हों। तुमने भी तो एक अरसा उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया था ना। मैं हाथ पकड़ के मना लूं? तो क्या फर्क पड़ता है, शौहर है वो तुम्हारे। सोचूंगी। इतना मत सोचती रहना कि वक्त ही निकल जाए। वो भी क्या मंजर होगा जब एक बीवी अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करेगी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। Yes? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। हाँ, मुझे मम्मी से कुछ काम था, वो एक्चुअली अपनी किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। कोई खास काम था? हाँ, वो घर जाना था मुझे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों, तुम्हारा ड्राइवर किधर है? वो छुट्टी पर गया है। तुम्हारा ड्राइवर कुछ ज्यादा ही छुट्टियां नहीं करने लगा? तो अच्छी बात है ना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। आयमा प्लीज सोच समझ के बात किया करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की बेवा हो। तुम्हारा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा ना अफान, तो क्या सारी जिंदगी उसके नाम का टैग लेकर मैं घूमती रहूंगी? बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खाला, हम काम कर रहे थे। काम तुमने खाक करना है, अपना वक्त भी जाया करती हो और हमारा भी। जाओ यहाँ से। मम्मी आप घर जाएंगी? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई है, मैं सोच रही हूँ घर जाकर आराम कर। आजकल ज्यादा से ज्यादा वक्त उमर के साथ गुजारने को जी चाहता है। ये तो अच्छी बात है, वैसे तो मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन आयमा ने भी घर ही जाना है, तो आप इसको साथ ही ले जाएं। इसका ड्राइवर आज भी छुट्टी पर है। खामखा यहाँ आकर सबको परेशान करती हो, ये जगह तुम्हारे काम की नहीं है, पहले कुछ तजुर्बा हासिल करो, कहीं जॉब करो, फिर आना ऑफिस। वैसे मम्मी मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दें, अभी इसकी उम्र ही क्या है। आइडिया अच्छा है, घर जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ। इसे दूर रहा करो, इसे शहरयार की जिंदगी में शामिल करके मैं गलती कर चुकी हूँ, तुम ऐसी कोई गलती मत करना। तौबा करें मम्मी, मैं इसके जाल में पहले नहीं फंसा, तो अब क्या फंसूंगा? और वैसे भी मैं एनी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ।
जी जरूर, बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं फिर बात करती हूँ आपसे। समझता क्या है खुद को, कितनी आसानी से कह दिया कि मेरा रिश्ता ढूंढेगा। क्या हो गया, किसकी बात कर रही हो? आपके भांजे की, कहीं का शहजादा है क्या वो? शहजादा तो है और बिल्कुल तुम्हारी जोड़ का। अम्मी, वो मुझे इग्नोर करता रहता है और आप उसकी तारीफें कर रही हैं। अब मैं उसके दिल में जबरदस्ती तुम्हारा ख्याल तो नहीं डाल सकती ना। बचपन से ही बहुत चढ़ता है तुमसे। हाँ जानती हूँ, मगर कब तक भागेगा? एक दिन उसे मेरे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्या करने वाली हो तुम? सोच समझ के करना। वैसे भी बाजी आजकल मौका ढूंढ रही है हमें घर से निकालने का। अब कोई ऊटपटांग हरकत मत करना। आपको क्या लगता है कि खाला हमें इस घर से निकालेंगी तो क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। शहरयार से जो अपार्टमेंट मैंने अपने नाम लिखवाया है उसमें रह सकते हैं हम लोग। मुझे सड़क पर आने से बहुत डर लगता है आयमा। एक बार ये वक्त देख चुकी हूँ मैं, अब दोबारा हिम्मत नहीं है मुझ में। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी आसानी से बेदखल नहीं कर सकते ये लोग हमें। फाखरा एंड कंपनी के शेयर्स हैं मेरे पास। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत अकलमंद निकली, शाबाश। अच्छा खैर छोड़ें, खाला अगर आपसे मेरे रिश्ते की बात करेंगी ना तो साफ इनकार कर दीजिएगा। मैं किसी उल्टे सीधे लड़के से शादी नहीं करने वाली। कोई लड़का है क्या उनकी नजर में? जी क्या पता अम्मी। हाँ अगर आफान से करेंगे तो फिर मैं कर लूंगी। मगर ये कैसे होगा? शहरयार की बारी तो उनकी मजबूरी थी, मगर अब तो पूरी बिसात ही उलट चुकी है। तो कोई बात नहीं, दूसरी बिसात बिछाएंगे हम लोग, जो बन सका करेंगे। अगर आफान और रैनी को एक नहीं होने देंगे। तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ, मेरा मतलब है हनीमून के लिए चले जाओ बेटा। मम्मी अभी कोई कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास अभी घूमने फिरने के लिए बिल्कुल ही वक्त नहीं है। अब ऑफिस के मामला तो जानती है, बहुत बिजी स्केड्यूल है मेरा। अरे बेटा कोई बात नहीं, वो मैं और एमल संभाल लेंगे, एक हफ्ते की तो बात है। लेकिन खाला कितना अजीब लगेगा एक छोटे बच्चे को हनीमून पर लेकर जाना। आयमा तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? क्या लोग अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने नहीं जाते? मैं तो हनीमून के लिहाज से कह रही हूँ। अरे बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि शादी के फौरन बाद ही हनीमून मनाया जाए। ठीक है कुछ अरसे बाद भी जा सकते हैं, और तुम उमर की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी उमर को। कमाल करती हैं बाजी, सारा दिन तो आप ऑफिस में होती हैं, बच्चा सारा दिन मुलाजमा के हवाले रहेगा। क्यों तुम नहीं होगी क्या घर में? हाँ खाला, वैसे भी एनी को क्या फर्क पड़ता है, उमर को तो सारा दिन फौजिया संभालती है, ये तो अपने स्टूडियो में घुसी रहती है, हर वक्त पेंटिंग्स करती रहती है। आयमा अगर तुम हमारे मामले से दूर रहो तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा और तुम्हारे लिए भी। क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहते हो एनी। कोई कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास घूमने फिरने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल बेकार है। आप
इस तरह क्यों बैठे हो? आराम से लेट जाओ। लेट जाऊंगा। वैसे तुम्हें शायद मेरा इनकार करना बुरा लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? एनी, मैं वाकई आजकल बहुत मसरूफ हूँ। मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है। एनी, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं बहाने बना रहा हूँ? क्यों, तुम बहाने बना रहे हो? एनी, इस वक्त हम दोनों हनीमून पे जाके क्या करेंगे जब हम दोनों में किसी तरह की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? अफान, मैं, और ये बात हकीकत है कि तुमने आज तक मेरी मोहब्बत, इवन मुझे कबूल नहीं किया है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी सोचों पे पूरा ना उतरा हूं, मैंने तुम्हें जबरदस्ती हासिल किया हो। एनी, मियां बीवी के बीच में मोहब्बत, अपनायत, दोस्ती, ये सब कुछ ना हो तो ये रिश्ता बेमायने है। एनी, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें ये ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम मुझसे अलहदा होना चाहते हो? यानी तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, जब भी मैंने ऐसा कहा है। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? यानी किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा रवैया ये बताता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ तुम खुश नहीं हो, मेरे पास हो के भी तुम मुझसे बहुत दूर हो। अफान, मैं, प्लीज एनी, मैं बहुत थक गया हूं, अब सोना चाहता हूं। सारा दिन मैंने बहुत बोला, मेरा सर दर्द से फट रहा है। हम इस मौजू पे कल बात करेंगे। गुड नाइट। मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे भी थोड़े से घर में काम है, और मैं मम्मी से भी पूछ लूँ पहले। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। तुम इतनी देर में तैयार भी हो जाओ, और हाँ, उमर का बैग भी तैयार कर लेना ताकि तुम्हें वहां मुश्किल ना हो। ठीक है, तो तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। जी बाजी, तुम्हें कुछ आयमा की खबर है? क्या करती फिर रही है वो? कहाँ जाती है? कहाँ से आती है? कुछ उसकी खबर रख रही हो तुम? बाजी, वो तो आपके साथ ऑफिस ही जाती है। सुबह हमारे साथ ऑफिस जाती है, वापस आने के बाद या अपने कमरे में बंद हो जाती है या बाहर घूमने चली जाती है। हमारे पास तो नहीं बैठती वो? अरे नहीं नहीं बाजी, उसे आपका पूरा ख्याल है। अब से आपको पूरा वक्त देगी, मैं समझा दूंगी उसे।
मम्मी मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। चंद रोज के लिए? बेटा घर में सन्नाटा हो जाएगा तुम्हारे जाने से। नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती। नहीं नहीं, जरूर जाओ बेटा, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। मम्मी मैं एनी से यही कह रहा था कि उसे जरूर जाना चाहिए। और क्या, कोई कैदी थोड़ी हो तुम इस घर में। वैसे भी तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करती फिरती हो। घर भी चली जाओ अपनी माँ के, क्या फर्क पड़ता। यही तो मैं कह रही थी, मेरे घर की सारी रौनक मेरी बहू और पोते के दम से है। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ। मैं फरी से कहूंगी कुछ दिनों के लिए आ जाए मेरे पास। तुम जा रहे हो ना एनी को छोड़ने? जी मम्मी, मैं एनी को छोड़ के ऑफिस जाऊंगा। अच्छी बात, लेकिन बहुत ज्यादा दिन मत रुकना, पूरा घर खाली हो जाएगा तुम्हारे बगैर। जी मम्मी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये होती हैं घर संभालने वाली लड़कियां। और एक आयमा है, पता नहीं किन चक्रों में है वो आजकल। नहीं बाजी, आयमा को भी घर का बहुत ख्याल है, वो बस अकेली हो गई है शहरयार के जाने के बाद। अकेलेपन ने उसे सबसे दूर कर दिया है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएगी। चलो ये भी देख लेती हूँ। जी बाजी। फौजिया को छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भाई उमर को संभालने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं और वो अपनी फैमिली के पास गई नहीं थी काफी टाइम से। अच्छा है चली गई। चलो अच्छी बात है, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं करती ही क्या हूँ जो अम्मी के घर जाके आराम करूँ। तो फिर रहनी जा क्यों रही हो? तुम मुझसे बेजार हो गए हो ना, इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छा है थोड़ा वक्त तुम अकेले गुजार लो। तो तुम मुझे अच्छा टाइम गुजारने के लिए छोड़ के जा रही हो? रैनी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे और उमर के बगैर मैं सुकून से रह लूंगा? भाई ये सवाल तो तुम खुद से पूछो। रैनी तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। और आप तो जैसे बहुत अच्छे। हाँ सबसे पूछ लो, सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। ख्याल है ये सिर्फ तुम्हारा। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बुरा हूँ? क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात नहीं अम्मी। बेटा हम तो इस बात पर बहुत खुश हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि ज्यादा दिनों के लिए रहने आई हो। लेकिन बेटा इतनी खामोश क्यों हो तुम? नहीं नहीं बाबा, मैं सच बता रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने के लिए, अब
लोगों से बातें करने के लिए, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आ गई। चल फिर तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आ जाने से आप दोनों परेशान लग रहे। क्या बेटियां अपने मैके नहीं आ सकती हैं? आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन खुशबाश इस तरह से बुझी हुई नहीं। खामोखा की परेशानी हो रही है आप लोगों को, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं। इमल घर कब तक आ जाती है? 6 बजे तक। ठीक है, तब तक उमर को आप लोग संभालें, क्योंकि अगर वो आ गई फिर वो उमर को संभालेगी और आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाने देगी। मैं आती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी तुम खामखा फिक्र मत करो, सब तुम्हारा वहम है। तुम्हारी बेटी माशाल्लाह अफान के साथ बहुत खुश है। अल्लाह करे आपका ख्याल दुरुस्त हो। चाय पियो। जी कहिए। अरे वाह, मैं के जाके अब सलाम दुआ से भी चली गई आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाल तो वैसे ही है, बिल्कुल ठीक। अभी तो छोड़कर गए आप। यानी कैसी बातें कर रही हो, मैंने कहाँ छोड़ा तुम्हें? अच्छा, किस लिए फोन किया आपने मुझे? ये पूछने के लिए कि कहीं उमर अपने बाबा को याद तो नहीं कर रहा। नहीं, वो यहाँ बहुत खुश रहता है और बाबा के साथ बहुत खेलता है, बहुत बातें करता है उनके साथ। अच्छा, वो तो तुम्हारी तरह संदिल नहीं था। मैं संदिल हूँ। चलो, मैं खुश। आपको कोई काम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन सब को छोड़ के मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ अफान। हाँ आयमा बोलो। एक काम करो यानी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। हाँ आओ, अंदर आओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, आप 10 मिनट जल्दी आ गए हैं बल्कि। ओ अच्छा, चलें कोई मसला नहीं, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक। भाई निकल आओ अपने हुजरे से बाहर और खाना खा लो आकर। बना लिया है मैंने, और बर्तन समेट लेना, मैं कुछ देर आराम करूंगी। ये क्या दाल चावल क्यों बने? किसी की तबीयत खराब है क्या? क्यों, दाल चावल क्या किसी के बीमार होने पर बनते हैं? हाँ, हमारे घर में तो ऐसे ही होता था। खाना है तो खा लो, वरना अपनी माँ से फोन करके कहो कि तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दें। पर अब मैं उनसे क्यों कहूंगी, मेरा घर तो ये, वो नहीं। तो कुछ ऑर्डर कर दो, अगर घर वालों ने कुछ कैश दे रखा है तो। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, खाना भी बना हुआ है। वालेकुम सलाम, कोई खुशखबरी है क्या? जी जी बिल्कुल खुशखबरी है, मुझे जॉब मिल गई है।
भी बहुत अच्छी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने अरसे में कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। अरे अम्मी ये छोड़ें, मिठाई खाएं। भाई अपनी बीवी को दो, देखो उसे कितना बुरा लग रहा है। उसे क्यों बुरा लगेगा भला, आपका हक तो पहले है। देखा मैंने कहा था ना कितना बुरा लगा उसे। अरे छोड़े अम्मा उसे, आप ये ले मिठाई खाएं आप। उसे मैं मना लूंगा। हाँ बस खुश आमदी करते रहना सारी जिंदगी उसकी। जी मम्मी ठीक है, मैं आता हूँ। जी मम्मी। एनी क्यों गई है घर, खैरियत? हाँ सब खैरियत, उसका दिल कर रहा था इसलिए गई है। कोई तुम दोनों के दरमियान कोई खटपट तो नहीं हुई? क्या हो गया मम्मी आपको, हम दोनों ऐसे लगते हैं क्या? हाँ भाई नहीं हो, तभी तो हैरान हो रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी, वो कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती थी तो मैंने कहा चले जाओ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसकी ख्वाहिशात को समझते हो। कोशिश करता हूँ मम्मी। उमर और एनी से मिलते हुए चले आज घर? क्यों मम्मी, वो सुबह ही तो गए। अरे बेटा मुझे तो आदत हो गई है घर जाते ही उमर को देखने की, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जब वो दोनों घर पर नहीं होंगे? मम्मी बुरा तो मुझे भी लगेगा क्योंकि वो दोनों मेरी भी आदत बन गया। मैंने सोचा कि चलो ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, मिलकर दोनों घर चले जाएंगे। ठीक है मम्मी, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी कि आप एनी और उमर के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद हो, इतना ज्यादा उनका ख्याल रखती हैं। मैं बाहर वेट करता हूँ, आप आ जाएं। ओके। यस कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूँ? कोई काम था आपको मुझसे? जी। मेरा ख्याल है हम मीटिंग में हर बार डिस्कस कर चुके हैं। बैठने की इजाजत देंगे तो मैं बताऊंगा। आप प्लीज बैठिए। मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन फिर भी मैं जुर्रत करके वो बात आपसे कहूंगा। मैं अपनी मदर को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्या मैंने बहुत मायूब बात कर दी कोई? आप खामोश बैठी हैं। मैं मैरिड हूँ। अगर आप तो विडो हैं। और आपसे ये किसने कहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ? आप नहीं, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी और शहरयार के लव मैरिज थे और मैं आज भी शहरयार से मोहब्बत करती हूँ। हाँ मगर वो आपका पास था और उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, और ना ही मैं आपको शहरयार से मोहब्बत करने से रोक रहा हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप हमारी कंपनी के क्लाइंट हैं और प्लीज आप क्लाइंट ही रहे। आई एम सॉरी आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। अच्छा चलता हूँ, बट प्लीज मेरे प्रपोजल के बारे में सोचिएगा। सर थैंक यू।
एक्सक्यूज मी।